मरने के बाद जियान की सोल होती है वो मास्टर के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर अभी के लिए मास्टर को कैद कर रखा होता है। और जब जियान मास्टर से मिलता है तो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और उनसे प्रॉमिस करता है कि बहुत ही जल्दी उन्हें छुड़ाने के लिए आएगा। और फिर प्रॉमिस के अकॉर्डिंग जियान जिनसी की बॉडी से फायर पॉइजन को निकाल लेता, मगर तभी जियान के दिमाग में एक सवाल आता है और वो जिनगू से पूछता है कि आप वो क्लैन के बारे में जानते हो। ये नाम सुनते जिनगू काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और फिर जियान को बताते हैं ये एक एंशिएंट क्लैन है और इसके पास है डूडी ब्लड लाइन। और फिर यही से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पे जियान बोलता है डूडी ब्लड लाइन, तो जिनसी बोलता है कि हाँ। और ऐसा कहा जाता है जब कोई डूडी को अचीव कर लेता उनके जो फैमिली मेंबर भी होते उनके पास भी आ जाती ड्यूटी ब्लड लाइन, और तब उनका जो कल्टीवेशन होता है वो काफी यूनिक होता है। मगर ये तो तभी मिलता है जब तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी हो, क्योंकि तुम्हें एक ऐसी फैमिली के अंदर जन्म लेना होगा जिसके पास हो ड्यूटी ब्लड लाइन। और हम लोग इनकी पावर और इनकी एबिलिटी की बात करें तो इतनी ज्यादा होती है कि पूरी देखी कॉन्टिनेंट को बहुत ही आसानी से तबाह कर सकते हैं। मगर अभी के लिए बात की तो ड्यूटी ब्लड लाइन के लोगों की तो वो बहुत ही ज्यादा कम है इस देखी कॉन्टिनेंट के अंदर। ये सुन के जन अपने मन में बोलता है कि इतना खतरनाक बैकग्राउंड है यूनर का, तभी मैं कहूँ यूनर मुझे इतना फोर्स क्यों करती थी कि उसे ढूंढने के लिए मैं तभी आऊँ जब मैं काफी पावरफुल बन जाऊँ। सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी जिनको जियान को सपनों की दुनिया से बाहर निकालता और बोलते भाई साहब सब कुछ ठीक तो ना इसके अंदर, बेचारा उगल रहा है। और जब जियान भी देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी के लिए जो पूल का टेम्परेचर था वो काफी ज्यादा हो गया था, इस वजह से बेचारा जिनसी की मुंह से उसकी जीप निकल आई थी। तभी जिन टेम्परेचर को कम करता और बोलते कोई दिक्कत वाली बात नहीं सब कुछ नॉर्मल है। जिस उनके जिनको चेक करने के लिए जाने लगता, मगर तभी जियान बोलता कि अभी के लिए जो एंशिएंट क्लैन है वो रहता कहाँ पर है, मतलब इस गू क्लैन की लोकेशन कहाँ पर है। जिस उनके जिनको बोलते अगर गू क्लैन की लोकेशन की बात करें तो पूरा ईस्टर्न रीजन सेंट्रल पिन का उन्हीं के अंदर आता है, मगर अभी के लिए जो ज्यादातर गू क्लैन के लोग वो गूर एलम के अंदर रहती है। मगर अभी के लिए गूर एलम की बात की जाए तो वो मुझे भी नहीं पता ये आखिर कहे कहाँ पर। जिस उनके जिन बोलते आखिर ये गूर एलम क्या चीज है, तो उनके जिनको बताते कि जब कोई डाउशेंग की पीक पे पहुंच जाता तब वो इतना पावरफुल हो जाता है कि वो स्पेस को फाड़ कर एक अपनी वहाँ पर एक दुनिया अलग बना लेता है, जहाँ तक कि वो डाउशेंग इतना पावरफुल होता है कि उसके बारे में अभी के लिए हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और अभी के लिए गूर एलम की बात की है तो उसे बहुत ही सारे डाउशेंग के वॉरियर ने बनाया था और वो जगह बहुत ही ज्यादा बड़ी है। जिस उनके जिन काफी हैरान हो जाता और अपने मन में बोलते कि सबसे पहले मैं जाकर अपने टीचर को बचाऊंगा और फिर उसके बाद मैं डेफिनेटली इस गू क्लैन जाकर विजिट जरूर करूंगा। और फिर इन सभी जानकारी के लिए जिनगू को थैंक यू बोलता है। और यहाँ पे जिनसी की बॉडी से जो फायर पॉइजन होता है वो अभी के लिए निकल चुका होता है, इस वजह से जियान जिनगू से बोलता है कि अभी के लिए सीनियर की बॉडी में से फायर पॉइजन निकल चुका है, बस अब आप आगे के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी जिनसी भी तालाब से बाहर निकल आते और जियान को थैंक यू बोलते उनकी बॉडी से फायर पॉइजन निकालने के लिए, तो इसकी जियान बोलता है आपको थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन देखिए जिनसी बोलते कि अभी के लिए जियान जैसा कि आपके यहाँ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, तो क्या मैं आपके आगे की प्लान जान सकता हूँ कि आगे आप क्या करने वाले हो। ये सुन देखिए जियान बोलते कि अभी के लिए मैं जाने वाला हूँ फोर्ट गेट पॉइंट की मीटिंग के अंदर। जिस उनकी जिनसी काफी हैरान हो जाते और बोलते कि अभी के लिए ये जो मीटिंग होने वाली वो अभी के लिए विंड लाइटिंग पॉइंट के अंदर होने वाली है, इस वजह से जियान आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा वहाँ पर। तभी जिनको बोलते कि अभी के लिए जो मिस फेंग यहाँ पर आई थी तो वो भी हैप्पी ब्लड माउंटेन पूल की मदद की वजह से वो भी पहुंच चुकी है डाउज ऊपर, मगर अभी के लिए इस बात को पूरी तरीके से छुपा के रखा है, किसी को कानो कान खबर नहीं है इसके बारे में। जिस उनकी जियान बोलते कि सीनियर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास भी काफी अच्छे सेंसर है और मैं सभी चीजों को सेंस कर सकता हूँ। जिस उनके वो दोनों भी हमें से लाते और फिर जियान वहाँ से निकलने लगता है अपनी डाउजों की स्पीड को चेक करते हुए आगे की तरफ। और जब जियान डाउजों की स्पीड को देखता तो काफी हैरान हो जाता और बोलते कि अभी के लिए इस डाउजों की स्पीड है वो काफी फास्ट है, यहाँ तक कि मैंने कुछ ही सेकंड के अंदर ही इस मास्टर को पीछे छोड़ दिया वो भी बिना विंग्स यूज करे। और फिर सेंट्रल पेन की मैप को निकालता और इसके अंदर देखता विंड लाइटिंग पेन को और फिर वहाँ से निकल जाता सीधा विंड लाइटिंग पेन के लिए। और फिर इसी के साथ सीन चेंज होता है, फिर हमें विंड लाइटिंग पेन दिखाया जाता जहाँ पर काले काले बादल छा रहे होते हैं और चौथा बिजली चमक रही होती है। तभी जो जियान होता है वो एक पहाड़ के ऊपर अपीयर हो जाता है और विंड लाइटिंग पेन को देखते हुए बोलता है ये सच में काफी ज्यादा दूर है और फिर वहाँ से आ जाता है नीचे। और अभी के लिए वहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं और जियान उन्हीं के साथ आगे जा रहा होता है, जब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं यार आज यहाँ पे बहुत मजा आने वाला, दूसरा कहता है नहीं 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 आज मजा नहीं आएगा कल आएगा, अरे तीसरा कहता है आज बहुत मजा आएगा आज होगी धुआंधार लड़ाई। और अभी जब जियान कॉम्पिटिशन के स्टेडियम के पास पहुंचा था तभी जियान की नजर पड़ती एक एल्डर के ऊपर, इसे देख के जियान पहचान जाता जो की मिस फेंग के साथ आया था, इसलिए जियान अपने मन में बोलते हैं अगर इन एल्डरों ने मुझे पहचान ली तो फिर मैं फेंग जून जैसे नहीं मिल पाऊंगा। और फिर जियान वहाँ से छुपते छुपाते आगे तरफ जाने लगता है। और अभी विंड लाइटिंग पे इनका एक एल्डर अभी के लिए कॉम्पिटिशन के अंदर जो स्टूडेंट भाग ले रहे थे उनका टेस्ट ले रहा होता है, जहाँ पर अभी उस लड़के को एल्डर के पांच अटैक को झेलना होगा, अगर वो झेल जाता वो क्वालिफाई कर जाएगा। और यहीं पे खड़े हुए जितने भी लोग होते सभी लोग इस फाइट को देख के काफी एक्साइटेड हो रहे होते हैं। अभी एल्डर उस लड़के में एक पंच जड़ देता है जिस वजह से वो कॉम्पिटिशन से हो जाता है बाहर, ये देख के सभी लोग काफी निराश हो जाते हैं। अभी एल्डर बताते अगर किसी को कॉम्पिटिशन के अंदर भाग लेना है तो राइट वाले गेट की तरफ आ सकता है, मगर उसका जो लेवल वो कम से कम डाउनगोइंग स्टेज पर होना चाहिए और साथ ही उसे हमारे फाइव अटैक को भी झेलना होगा। अगर आप लोग यहाँ पे सिर्फ कॉम्पिटिशन को देखने के लिए आए तो आप लोग लेफ्ट वाले रास्ते से सीधा बैटल एरिना के अंदर जा सकते हो। तो जिन गेट की तरफ देखते हो बोलता कि अभी के लिए मुझे अपनी आइडेंटिटी को छुपा के यहाँ पे रखना है, इस वजह से मुझे इन फाइटों के बीच में नहीं पड़ना। और फिर जिन लेफ्ट वाले रास्ते से उस बैटल एरिया के अंदर जाने लगता है नॉर्मल इंसानों की तरह, मगर तभी एल्डर को कुछ अजीब सा महसूस होता और वो जियान को रोक लेता और बोलता कि दोस्त रुक जाओ, तो जैसा कि मैं दोस्त देख पा रहा हूँ कि आप बिल्कुल क्वालिफाई करते हो इस कॉम्पिटिशन को पार करने के लिए, तो फिर क्यों नहीं आप ट्राई करते हो इस कॉम्पिटिशन के अंदर। ये सुन देखिए जियान बोलता कि अभी के लिए मैं यहाँ पे किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ, इस वजह से मुझे आपके इस कॉम्पिटिशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और वहाँ से जान लगता है ये सब देखिए वहाँ पे खड़ी लोग जितने भी होते हो कहते हैं ये लड़का कितना एरोगेंट है जो इतनी ज्यादा हिम्मत करे इन
सीनियर एल्डर के सामने बदतमीजी करने की। तभी फीमेल एल्डर बोलते, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या इस लड़की के साथ? ये सुनकर एल्डर बोलते, इसके बारे में मुझे ज्यादा आइडिया तो नहीं, मगर जब ये लड़का एंटर किया तभी मेरी इसके ऊपर नजर पड़ी थी। तब मुझे इसकी बॉडी में से काफी पावरफुल फायर एंटिटी वाली दुई दिखाई दी, मगर शायद मुझे ऐसा लगता कि शायद मुझसे कुछ गलती हो गई है। और फिर इसी से सीन कट हो जाता, फिर हमें बैटल एरिना दिखाई जाती जो कि काफी बड़ी होती, जहाँ पर चारों पॉइंट के हेड के लीडरों के लिए चार सीटें बनी हुई थी। और इनपे जो जियान था उसे भी एक बढ़िया कमाल की जगह मिल चुकी होती है, इस वजह से वो भी जाके बैठ जाता है। मगर तभी अचानक से आसमान के अंदर काफी थंडर चमकने लगता है और वहाँ पे काफी सारे विंड लाइटिंग पिन के डिसेबल आने लगती है, एक एक करके वहाँ पे काफी सारे आ जाते हैं। मगर तभी अचानक से जियान बोलता है फीतियन, और बगल में मुड़ के देखते जहाँ पे फीतियन खड़ा हुआ होता है। तभी जो विंड लाइटिंग पिन के डिसेबल होते वो अपनी दुई को निकालते और आसमान के अंदर डालने लगते है, और वो जिस जगह पे अपनी थंडर दुई को डाल रहे होते उसी जगह पे लाइटिंग चमक लगती है और उसमें से निकलते एक बहुत ही बड़ा लाइटिंग का प्लट जो की जाके सीधा स्टेडियम में टकराता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी लाइटनिंग होती है और आसमान में बैठे लोग होते हैं उनको भी प्रॉब्लम होने लगती है। मगर जियान एकदम चिल मोड में अभी भी बैठा हुआ होता है, तभी वहाँ पे अपीयर होता है एक पावरफुल बंदा जो कि लग रहा होता है एकदम मुस्टंडा, जिसे देख के जियान बोलता है क्या यही है विंड लाइटिंग पॉइंट का लीडर ली जुनजे? सच में ये तो काफी खतरनाक है। तभी ली जुनजे को वहाँ पे किसी का ऑरा सेंस होता है और वो किसी और का नहीं होता, नेक्स्ट पॉइंट के लीडर का। तभी वहाँ पे एक बंदा दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए अपनी शॉट के ऊपर खड़े हुए वहाँ पे आ रहा होता है और उसकी शॉट में से काफी साउंड निकल रहा होता है, जिस वजह से बैठे हुए लोगों को काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी बंदा अरेना के ऊपर आ जाता है और वो बंदा कोई और नहीं, वो था 10,000 शॉट पॉइंट का लीडर जेन जुनजी। तभी वो फुल स्वैग मारते हुए और अपनी शॉटों को सीढ़ियों की तरह यूज करते हुए नीचे आ जाते हैं। तभी ली जुनजी हंसते हुए बोलते, अरे यार तू इकलौता वो बंदा है जो एकदम सही टाइम पे आता है। मगर जेन जुनजी उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देते और उसको ऐसे अवॉइड करते जैसे कि तुम्हारी एक्स तुम्हें करती है, और फिर वहाँ पे मस्त एकदम स्वैग मारते हुए खड़े हो जाते अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए। मगर तभी अचानक से वहाँ पे काफी डार्क इन्फिनिटी दुई की फैल जाती और हंसने की आवाज आती और बोलता है, लगता है ये बुड्ढा अभी भी काफी गुस्सा है ली जुनजी आपसे। और ये सब देखते सभी लोग काफी एक्साइटेड हो जाते और अरीना की तरफ देखने लगते। तभी वहाँ पर काफी डार्क इन्फिनिटी दुई की कलेक्ट हो जाती और उसमें से निकलता है डोरेमोन का एक हॉरर एनिमे डोर, और जब वो एनिमे डोर खुलता तो उसमें से निकलता है वांग क्वांग जुनजे येलो स्प्रिंग पॉइंट का लीडर और वांग चेन का मास्टर, जो आतिगन बोलते कि लगता है शायद अभी भी गुस्सा है हमारे येलो स्प्रिंग पॉइंट के लीडर पिछली बार की पिटाई जो आपने दे दी थी इनकी। ये सुनकर जेन जुनजे बोलते आखिर बोल कौन रहा है जो कि पिछली बार 100 अटैक भी नहीं झेल पाया था फेंग जुनजे के, और इसी वजह से वो तुमसे काफी स्ट्रांग है। ये सुनकर बेचारे ब्लैक एंड व्हाइट का मुंह तर जाता है। तभी वहाँ पे खड़े लोगों को सेंस होता है और ली जुनजे बोलते कि अभी के लिए हम लोगों में से सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा फास्ट है, मगर ये फ्री बंदा सबसे लास्ट आता है। और वहाँ पे एंट्री होती है फोर्थ पॉइंट के लीडर की जो कि भौकाली नहीं काफी प्यारी होती है, जिसे देखकर आसपास में बैठे लोगों को बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं होती है बल्कि वो इस एंट्री के मजे लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे आ चुके थे वन एंड ओनली आइस एम्परर प्रो मैक्स वर्जन फेंग जुनजे, जिन्हें देख के जिन अपने मन में बोलता है ये तो सच में काफी प्यारे और इनके जो सोल है वो भी काफी प्योर है, तो फिर ये मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी मदद होगी मास्टर को बचाने के लिए। और अरीना में खड़े हुए जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग एक दूसरे को ग्रीट करती है, और फिर चारों पॉइंट के लीडर अपनी सीटों की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पे जब फेंग जुनजे जा रहे होते हैं अभी वो थोड़ी सी हल्की भरी नजरों से जियान की तरफ देखते हैं। ये बात जियान को भी थोड़ी सी सेंस हो जाती है। तभी ली जुनजे अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं और सभी लोगों से बोलते हैं आज स्टार्ट होने वाला है फोर गेट पॉइंट की मीटिंग का कॉम्पिटिशन, और ये जो जगह है वो विंड लाइटिंग पॉइंट की एक होली प्लेस है, और मैं आप लोगों को काफी ज्यादा थैंकफुल हूँ जो आप लोग इतनी दूर दूर से यहाँ पर आए, और ये जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है, मगर मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ अभी के लिए आप जितने भी लोग इस कॉम्पिटिशन को देख रहे तो आप लोग प्लीज हमारे रूल्स को फॉलो करना, आप लोग इस फाइट के बीच में इंटरप्ट मत करना, और साथ ही जितने लोग कॉम्पिटिशन के अंदर भाग ले रहे आप लोग भी हमारे रूल्स को फॉलो करना। अगर कोई हार मान जाता है तो आप लोगों को उसे छोड़ना होगा चाहे फिर वो बंदा फाइट करे या ना करे, और अगर कोई हार नहीं मानने को तैयार है तो आप लोग उसे तब तक मार सकते हो जब तक वो मन नहीं जाता है। और अभी के लिए इस कॉम्पिटिशन के लोगों की बात है तो इस कॉम्पिटिशन के अंदर 53 लोग है जो कि आपस में फाइट करेंगे, जिसके बाद जो बचे लोग होंगे वो जाएंगे हमारे नेक्स्ट राउंड के अंदर। और जैसा कि अब आप लोगों को सब कुछ पता चल चुका है इस वजह से आप लोग अरीना के अंदर जा सकते हो, और वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी लोग अरीना के अंदर एंट्री मार देते, जिसे देखते वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं सभी लोग काफी जोश में आ जाते और नारे लगाने लगते और तोड़ फोड़ डालो एक दूसरे को पीट डालो फुल मौज करा दो, मगर यहाँ पे जो जियान था वो एकदम शांति से बैठा हुआ होता है और सभी चीजों को नोटिस कर रहा होता है। तभी जो तीनों पेन के डिसेबल होते हैं वो भी एंट्री मार देते अपने कुछ डिसेबलों के साथ, अरीना के एक एक कॉर्नर को कैप्चर कर लेते हैं, मगर अभी तक एंट्री नहीं मारी थी वो थी मिस फेंग, जिस वजह से सभी लोग उन्हीं का इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ तक की जो ली जुनजे भी होता है वो भी अभी के लिए इंतजार कर रहा था, ये देखिए जो बैठे हुए लोग होते वो आपस में बातें करने लगते और बोलते अरे मिस फेंग कहाँ है, मिस फेंग तो आई नहीं है, क्या हुआ कुछ गड़बड़ है क्या? मगर तभी एक ईगल की चिल्लाने की आवाज आती जिस वजह से सभी लोग उसी डायरेक्शन की तरफ देखने लगते, जहाँ पर हमें दिखाई जाती है एक स्पिरिचुअल ईगल जिसके ऊपर खड़ी थी मिस फेंग और एकदम फुल भौकाली वाली एंट्री मारती, जहाँ पर उनकी जो ईगल होती वो तो चली जाती और वो आ जाती बैटल अरीना के अंदर, जहाँ पर वो सबसे पहले ली जुनजे को ग्रीट करती और फिर जाकर एक कॉर्नर पे खड़ी हो जाती है। तभी उनके पास भी आ जाते उनके कुछ डिसाइबल और अब जो सभी लोग थे अब वो पूरी तरह से तैयार थे। तभी ली जुनजे बोलते तो चलो स्टार्ट करते इस कॉम्पिटिशन को, ये सुनकर वहाँ पे बैठी हुई ऑडियंस होती एकदम से बावली हो जाती और चिल्लाने लगती है और बोलती मार डालो कूट डालो पीट डालो बस जल्दी से जल्दी इस फाइट को चालू कर डालो। ये सुनकर जितने भी कॉम्पिटिटर होते वो एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते और लगे तेरी चालू जिसको जो दिखाई दे रहा था उसमें लगे तेरी बजा रहा होता है, जहाँ पर कोई किसी के ऊपर भारी पड़ा था तो उस
उसका वहाँ पे कोई और सभा शेर होता है, इस वजह से वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी पिटाई नहीं हो रही होती है। तभी हमें वहाँ पे पहला बंदा दिखाई देता है जो कि हथियार डाल देता है और बोलता है कि मैं हार मानता हूँ। जैसे जो वरी होता है वो पीछे हट जाता है और अब जो कमजोर लोग थे वो धीरे धीरे करके इस कॉम्पिटिशन से बाहर होने लगती है। मगर जो लोगों की संख्या थी वो अभी भी फिर भी काफी ज्यादा थी, इस वजह से जो फाइट थी अभी भी काफी धुआंधार चल रही होती, लगे तेरी लगे तेरे चारों तरफ चल रही होती। और फिर हमें BTTH भी काट देता है क्योंकि वो वीडियो से सीधा फोटो पे आ जाता है जहाँ पे जो मिस मूव होती वो भी अपने अपोनेंट को पीट रही होती। और जो वांग चेन था वो तो कहा ही किसी से डरने वाला था, वो भी पीटने में लगा हुआ था। और जो बाहर बैठी ऑडियंस होती है वो भी अपने पसंदीदा पर्सन को सपोर्ट कर रही होती और जो दूसरे के पसंदीदा पर्सन के ऊपर फुल टोंटबाजी कर रही होती है। मगर जो हमारे जियान महाराज थे वो एकदम मूर्ति बने बैठे हुए थे, वो बस टुकुर टुकुर इस फाइट को देख रहे होते जो कि काफी खतरनाक चल रही होती और उसे काफी मजा भी आ रहा था। मगर तभी जो वांग चेन होता वो एक प्लान बनाता है अपने कुछ लोगों के साथ, पहले विंड लाइटिंग पे इनके लोगों को पीटने का और फिर उसके बाद मिस फेंग का, जहाँ पे जो येलो स्प्रिंग पे इनके लोग होते हैं जाके मिस फेंग को चारों तरफ से घेर लेती है। और फिर जो वांग चेन होता है वो विंड लाइटिंग पे इनके लोगों के ऊपर हमला कर देता है और उनका जो ध्यान होता है वो अपने ऊपर केंद्रित करके उन्हें वहाँ से ले जाता है। अब वहाँ पे से मिस फेंग बची, तभी जो येलो स्प्रिंग पे इनके लोग होते वो हमला कर देते मिस फेंग के ऊपर, मगर मिस फेंग उनके हमलों को बहुत ही आसानी से डॉच कर लेती और अपनी पावर को निकालती और उनके ऊपर तड़ातर चालू मतलब पीटने लगती है। मगर तभी एक बंदा मिस फेंग के ऊपर हमला कर देता है पीछे से, मगर मिस फेंग अपने दुपट्टे से उसको भी उड़ा देती है। इसी के साथ वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी के सभी ढेर हो जाती है और मिस फेंग बोलते की अभी के लिए तुम लोगों की औकात नहीं मुझे हराने की। वहीं पे ये सब देखे जैन जोनसी बोलते कि अभी के लिए जो तुम्हारी डिसेबल है तुमने काफी अच्छे से उसे ट्रेन किया है, सच में इसका कोई भी जवाब नहीं है। ये सुन के फेंग जोनसी बोलते कि बिल्कुल सही बोला, अभी के लिए इस लड़की की पावर को देखा जाए तो मुझे लगता है कि जो विंड लाइटिंग पिन के जो चांसेस है इस कॉम्पिटिशन के जीतने के वो काफी ज्यादा है। जैसे देखिए लीजन से बोलते ऐसी बात नहीं है फेंग जोनसी, आपके दोनों के जो डिसेबल है वो भी काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्योंकि अभी के लिए जो फेंग जोनसी आपकी जो डिसेबल उसकी अभी के लिए ब्लड लाइन एक्टिवेट नहीं हुई है, जब उसकी ब्लड लाइन एक्टिवेट हो जाएगी तो वो भी उस टाइम यंग जनरेशन के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मानी जाएगी। ये सब सुन के जो ब्लैक एंड व्हाइट होता वो अपने मन बोलता कि अभी के लिए देखा जाए तो मेरा वांग चेन सबसे ज्यादा घटिया इनमें। वहीं पे जियान भी इतने सारे एक साथ पावरफुल लोगों को देख काफी हैरान हो गया था और बोलता कि ये सेंटर प्लेस सच में काफी कमाल की जगह है जहाँ पर इतने सारे एक जगह पे डाउन हुआ है। मगर तभी इसी बीच जियान की नजर पड़ती एक बंदे के ऊपर जिसके थे लाल बाल जो कि लड़ कम रहा था बच ज्यादा रहा था। तभी जियान उसे देखकर बोलते लिंगयान आकर ये यहाँ पे क्या कर रहा है, मगर इसे देखे हुए काफी ज्यादा लंबा टाइम बीत चुका और इसी बीच इसने डाउन हुआ के अंदर भी ब्रेक थ्रू कर लिया है और अभी के लिए इसकी जो मूवमेंट है वो काफी डिफरेंट है, काफी स्ट्रेंज है। जैसे कि ये अपने सभी अटैकों को बहुत ही अच्छे तरीके से डॉच कर रहा है जैसे कि कोई बदक करती है। मगर तभी जियान नोटिस करता है अभी के लिए जो लिंगयान के ऊपर हमला कर रहे हैं वो लिंगयान को एक डायरेक्शन की तरफ फोर्स कर रहे हैं और उसे पीछे ढकेलते जा रहे हैं और वो जगह किसी और की नहीं वो होती है वांग चेन की। और तभी जो लिंगयान होता है उसी के एरिया के अंदर आ जाता है, ये देखते हैं जो येलो स्प्रिंग पेंट के लोग होते हैं वो वांग चेन के ऊपर आके हमला कर देते और उसके साथ लगे तेरी करने लगते हैं और उसे पीछे ढकेलते जाते जहाँ पर अभी के लिए पीछे वांग चेन बैठा होता है। ये देखते हैं जियान एकदम से हैरान हो जाता है और बोलते ये तो ट्रैप है और जियान ये बोले तभी जो वांग चेन होता है वो आके लिंगयान के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखते हैं जियान काफी हैरान हो जाता है क्योंकि जो लिंगयान तो वो काफी बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था, उसके खून ही खून निकल रहा होता है। मगर जो वांग चेन था वो अभी भी आगे बढ़ता जा रहा होता है, ये देख के जो लिंगयान होता है वो वांग चेन को रोकता है और बोलता है कि मैं अभी के लिए हार मानता हूँ। ये सुन के वांग चेन बोलता है कि हार गई तिल लेने अब तू मरेगा साड़े, और ये बोलते हैं जो वांग चेन होता है वो हमला कर देता है लिंगयान के ऊपर जिस वजह से जो लिंगयान होता है वो काफी दूर जाके गिरता है। ये देखिए जन आसमान की तरफ देखता है जहाँ पर अभी के लिए विंड लाइटिंग पे इनके लोग थे जो कि रूल्स को मैनेज करती है, मगर वो तो अपनी जगह से टस से मसनी होती है। तो ये देखिए जन को काफी गुस्सा आ रहा था, तभी जो लिंगयान होता है कहता है हरामी कुत्ते साड़े, मगर तभी वांग चेन उसके पास जाता और उसे दबोच लेता है और अपनी चाकू उसकी गर्दन के ऊपर धर देता है। और ये जब ये ऑडियंस देखती तो एकदम से बावले हो जाती है और वांग चेन को गालियां वालियां देने लगती है, मगर वांग चेन तो हरामी था वो नहीं हटता और वो लिंगयान को मारने के लिए जाने लगता है, मगर वो चाकू मारता उससे पहले लिंगयान उसके हाथों से गायब। और जियान लिंगयान से बोलता कि तुम थोड़े से पागल हो क्या, यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सुनकर लिंगयान समझ जाता है कि ये तो जियान है, मगर जियान उसे बोलता कि कुछ मत बोलना। तभी लिंगयान धीरी सी आवाज बोलते भाई आखिर तुम सेंट्रल प्लेन के अंदर क्या कर रहे हो, और जियान कुछ बोलता उससे पहले जो विंड लाइटिंग पेन के जो लोग होते वो आगे जियान को चौथ से घेर लेते हैं और बोलते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूल्सों को तोड़ने की। ये सुनकर जियान बोलता कि रूल्सों को तो सरामी कुत्ते ने तोड़ा है एक हारे के ऊपर हमला करके, वो भी जान ले वो, और तब तुम लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया और तब तुम लोग बीच में नहीं टपके इसे रोकने के लिए, जब विंड लाइटिंग पेन के जो रूल्स है वो कमजोर लोगों के ऊपर ही अप्लाई होती है। ये सुनकर वांग चेन भड़क जाता और बोलता कि तू ज्यादा कुछ नहीं बोलना। वही पीछे उनके जो आपस में फाइट कर रहे होते वो भी लोग एकदम से रुक जाते और बोलते कि ये लड़का पागल वागल हो गया जो वांग चेन से पंगा ले रहा है। तभी जो मिस फेंग होती जब वो जियान को देखती तो उन्हें कुछ अजीब सा फील होता, मगर तभी ब्लैक एंड व्हाइट बोलता है अगर ये लड़का किसका स्टूडेंट है जो इतनी बदतमीजी कर रहा है वो भी येलो स्प्रिंग पेन के साथ, जो कि अभी के लिए इसकी इतनी औकात नहीं है जो येलो स्प्रिंग पेन के ऊपर कोई भी कमेंट वगैरह कर पाए। और फिर वो जियान की पावर को चेक करने की कोशिश करते मगर उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता, इस वजह से बोलती है आखिर ये है चीज क्या जिसकी पावर ही नहीं सेंस कर पा रहा हूँ मैं भी, सच में ये लड़का काफी अजीब है। तभी जियान उनको चारों को बहुत ही अच्छे से ग्रीट करता और बोलते कि जैसा कि आपने देखा कि मेरे दोस्त ने हार मान ली थी मगर फिर भी इसने उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, इस वजह से अगर किसी ने रूल्सों को तोड़े तो इसने तोड़ा है गाड़ी के ऊपर हमला करके। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट लीजन से बोलता है अभी के लिए इस मैटर को जल्दी से जल्दी सॉल्व करो क्योंकि इस कॉम्पिटिशन को ज्यादा डिले नहीं कर सकते हैं। जैसे लीजन से उन दोनों से बोलते कि अभी के लिए आपका इस मैटर में क्या फैसला है, आप भी इसके बारे में कुछ बोलिए। मगर तभी बीच में ब्लैक एंड व्हाइट टपक पड़ता और बोलता कि इसमें क्या है, अपने रूल्स को फॉलो करिए और उस लड़के की 50 डंडे चुपकाइए पिछवाड़ी में और फिर इसको और इसके दोस्त को उठाकर इस विंड लाइटिंग पर इनके माउंटेन से फेंक दीजिए। जैसे फेंग जोन जो बोलते कि इस लड़की की इसमें कोई भी गलती नहीं है, इसी वजह
वजह से इस लड़की के ऊपर ना ही कोई दंड बनता है और ना ही कोई रिवॉर्ड बनता है। मगर डिसाइड करना है लीजुन से आपको कि आपको एक फेयर डिसीजन लेना है कि अनफेयर डिसीजन लेना है। ये सुन के जेनजो से फेंगजुन जी की हमें हम मिला देती है और बोलती है लड़का तो सिर्फ अपने दोस्त को बचा रहा था, इस वजह से हमें इसे यहाँ से जाने देना चाहिए अपने दोस्त के साथ और इस कॉम्पिटिशन को फिर से स्टार्ट करना चाहिए। ये सुन ब्लैक एंड व्हाइट खड़ा हो जाता और बोलता की तुम्हें येलो स्प्रिंग पवेलियन से प्रॉब्लम है ना, इस वजह से मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, तुम्हारे बीच में और वोंगचेन के बीच में फाइट होगी और अगर तुम जीत जाते हो तो फिर तुम अपने दोस्त के साथ यहाँ से जा सकते हो बिल्कुल एकदम सेफ। वहीं पीछे उनकी जान भी काफी हैरान हो जाता और बोलते हैं बुड्ढा तो सच में काफी चालाक है। तभी लिंगयान जियान से बोलते हैं जियान रहने दो, ये वोंगचेन काफी पावरफुल है। मगर तभी वोंगचेन बोलते हैं अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है मुझसे फाइट करने की तो फिर मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूं, तुम मेरे मास्टर से 3 बार माफी मांगो तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा तुम्हारे दोस्त के साथ। और ये बोलते हैं जो येलो स्प्रिंग के लोग होते हैं वो आके जियान को चारों तरफ से घेर लेते हैं और भी ये सब देखिए जो लिंगयान होता है वो डर रहा होता है और जियान से बोलते हैं चलो माफी मांग लेते और निकलते हैं यहाँ से। मगर तभी जाने की स्माइल करता और लिंगयान से बोलते हैं अभी के लिए जाके तुम रेस्ट करो, इस गधे को इसकी औकात दिखाता हूँ मैं। और फिर वोंगचेन के सामने चला जाता और बोलते हैं वोंगचेन आ जा चल लड़ते तेरी औकात दिखा के। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही कमेंट में अपने ओपिनियन देना कि आपको फेंगजुन जी कैसे लगे और साथ ही आपको एपिसोड भी कैसा लगा। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।